तो वी एव दैन का गुडनेस ऑफ फिट एंड कायस को ए टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस मैनुअली जस्ट टू अंडरस्टैंड के कहाँ से फ्रीकुंसिज आती हैं किस तरह से हम एस एट पार पैरामीट्रिक की तरह उसको टेस्ट करते हैं बट यू कैन डू इट इन एस पी एस एस विद नो टाइम सो लेट्स डू बोथ ऑफ द टेस्ट इन एस पी एस एस तो दे आर टू मेथड्स मेन जो बात है इसके अंदर डेटा एंटर करने का एस पी एस एस के अंदर बढ़ना कमांड रन करना तो इज मस्ट ईजी ईजियर सो कॉमन मेथड जो हम इसमें यूज़ करते हैं वो ये कि हम इसमें वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं जैसा फर्स्ट करें हमारे गुडनेस ऑफ फिट के लिए था पेंटिंग्स की चार साइड्स हैं और उसमें फ्रीक्वेंसीज हैं सो वी विल ऐड टू कॉलम्स वन फॉर पेंटिंग्स उसकी साइड्स और दूसरी हर साइड के लिए फ्रीक्वेंसीज लेट्स डू इट इन एस पी एस एस एंड देन आई विल एक्सप्लेन के इसको कैसे हमने किया है सो so, डेटा मैंने ऑलरेडी एंटर कर लिया इसके अंदर एज यू कैन सी के हमारे पास Uh, एक वेरिएबल है पेंटिंग्स की साइड्स का जो कि फोर साइड्स हैं वन टू थ्री एंड फोर और उसके बाद हर साइड के लिए फ्रीक्वेंसी जो पीछे हमने मैनुअली सॉल्व की है uh, इसके अंदर अगर वेरिएबल व्यू में जा देखें तो ऑलरेडी मैंने इसके वैल्यूज़ में जाके बता दिया है कि वन का मतलब टॉप साइड अप है टू का मतलब बॉटम अप है थ्री का मतलब लेफ्ट अप है फोर का मतलब राइट right अप है और उसके अगेंस्ट हमने uh, हर एक के लिए बता दिया कि फ्रीक्वेंसीज कितनी है सो so, इसके अंदर आ, एक बात है कि का स्कोर रन करने से पहले आपको एस पी एस एस को बताने पड़ेगा कि ये जो है ये टोटल फ्रीक्वेंसीज हैं क्योंकि अदरवाइज़ वो इसको स्कोर के तौर पे कंसिडर करेगा एस पी एस एस देखेगा कि एटीन इज़ अ रनिंग स्कोर अ क्वान्टिटेटिव वेरिएबल सो यू विल गो टू डेटा एंड देन यू विल सेलेक्ट वेट केसेस रिमेंबर सो वेट केसेस के अंदर जाके आपने इसको बताना है कि वेट केसेस बाय फ्रीक्वेंसी कि हमने ऑलरेडी फ्रीक्वेंसीज है ये जो एटीन सेवनटीन सेवन एट है हमने ऑलरेडी समड कर दी है फ्रीक्वेंसीज और उनको इकट्ठा हमने बता दिया है so, सो एक दफ़ा आपने अगर एस पी एस एस को बता दिया नाउ यू आर गुड टू रन का स्क्वायर वैल्यू सो अब हम एनालाइज में जाएंगे और हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में जाएंगे और नॉन पैरामेट्रिक के अंदर हमारा ये लेगेसी डायलॉग है और इसके अंदर पहली ही ऑप्शन काय स्क्वायर की दी हुई है सो आप काय स्क्वायर को सिलेक्ट करेंगे और अपना पेंटिंग्स का जो वेरिएबल है वो इसको सेंड करेंगे इसके अंदर ऑलरेडी डिफॉल्ट ऑप्शन सेट हुई हैं कि ऑल कैटेगरीज आर इक्वल लेकिन अगर आप फर्श करें आपने हर कैटेगरी के लिए डिफरेंस किया हुआ है तो फिर आप यहाँ पर जाके वैल्यू एड कर सकते हैं फॉर ईच कैटेगरी तो हमने पीछे किया है कि वो ट्वेंटी टेन टेन की रेशो फॉलो करे या फिर सो हमारी जो पेंटिंग्स के लिए था हमने नो प्रेफरेंस हाइपोथेसिस सेलेक्ट किया था और हमसे कहा था कि ऑल कैटेगरीज में एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज जो हमारी इक्वल होंगी आपको एक्सट्रैक्ट पे जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम सिंपल ही कर रहे हैं और ऑप्शन में uh, तो भी यू डोंट नीड डिस्क्रिप्टिव अगर हों तो यू कैन चेक इसके क्वार्टाइल्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं आप डिस्क्रिप्टिवस भी कैलकुलेट कर सकते हैं uh, लेकिन फ़िलहाल uh, चूंकि हम वी आर इंटरेस्टेड इन का स्क्वेयर वैल्यू सो इट्स वेरी सिंपल सेंड द पेंटिंग साइड टू द टेस्ट वेरिएबल एंड हिट द ओ के बटन एंड यू विल गेट दिस आउटपुट एज जैसे देख सकते हैं कि उसमें उसने हमें डिस्क्रिप्टिवस भी दे दिए हैं और फिर साथ में उसने हमें मेनली ये पेंटिंग्स का दिया है कि जो टॉप अप है हमारे पास एटीन या हमने बिल्कुल मैनुअली ख़ुद आपने देखा कि हमने कैलकुलेट किया था सो so, हमारा एटीन जो था ऑब्जर्व एफ ओ हमारी एटीन सेवनटीन सेवन एट थी और इक्वल फ्रिक्वेंसी के तहत हमारा एक्सपेक्टेड फ्रीकुनसी हमारी ट्वेल्व पॉइंट फाइव थी और उसको सॉल्व करके हमारी ये काई स्क्वायर की वैल्यू हमने 8.08 ही कैलकुलेट की थी और इसमें हमने जो सिग्निफिकेंस वैल्यू है वो ये देखनी है सो इफ़ दिस ए सिमटोटिक सिग्निफिकेंट वैल्यू इज़ लेस देन पॉइंट तो हमारे रिजल्ट जो हैं वो सिग्निफिकेंट है एंड यू कैन सी कि हमारे पास ये वैल्यू जो है वो लेस देन पॉइंट है सो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम थ्री के ऊपर हमारी काई स्क्र की वैल्यू सिग्निफिकेंट है जिसका मतलब कि हम इक्वल फ्रीक्वेंसी को जो नल हाईपोथसिस था उसको रिजेक्ट करेंगे और हम कहेंगे कि नहीं एनी वन पर्टिकुलर साइड इज़ प्रिफर्ड मोर एज अ करेक्ट एज कम्पेयर टू द अदर थ्री साइड्स इसके लिए हमने uh, मैंने आपका वो स्लाइड्स uh, के अंदर बाकायदा वॉक इन टोरियल डाल दिया है कि वन बाई वन हम कहाँ जाएंगे आई कैन गो बैक एंड शो यू दैट सो हमारे पास ये था इसमें बिल्कुल हमने पहले आप देख सकते हैं कि हमने सबसे पहले वेरिएबल uh, डाले थे उसको नाम दिया था पेंटिंग uh, साइट का और फिर हमने फ्रिक्वेंसीज डाली थी उसके बाद हमने उनको असाइन किए नंबर वैल्यू लेबल्स के अंदर जाके कि वन का मतलब क्या है टू का मतलब क्या है थ्री का मतलब क्या है उसके बाद हमने वेट केसेस किया हमने क्योंकि हमने ऑलरेडी डेटा को सम किया हुआ था सो वी टोल्ड द कंप्यूटर कि ये ऑलरेडी फ्रीक्वेंसीज हैं सो वी वेंट टू डेटा एंड देन वेट केसेस और उसके अंदर जाके हमने सेलेक्ट किया कि हमारी जो पेंटिंग साइड्स हैं और जो फ्रीक्वेंसीज हैं दे आर ऑलरेडी सम डापन दे आर फ्रिक्वेंसीज और फिर हमने ओके बटन क्लिक किया फिर डेटा uh, एंटर करना मैंने आपको बताया कि मेनली हमने उसमें पेंटिंग uh, साइड्स को चारों को डिफाइन करना है कि वन टू थ्री फोर स्टैंड फॉर वॉट और उसके बाद हमने का स्क्वायर रन किया जो कि हम नॉन पैरामेट्रिक में गए हम लेगेसी में गए और फिर हमने का uh, स्क्वायर को चेक किया और उसके बाद हमने पेंटिंग साइड को सेंड किया और हमने उसके अंदर रन ओके बटन किया और ये हमारे पास मेन टेबल आ गया जिसमें एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज़ हैं और उसके बाद हमारी मेन वैल्यू जो काई स्क्वायर पॉइंट जीरो एट है और हमारी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम थ्री है और ये हमारा मेनली कंक्लूजन है कि वी कैन रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस एंड कंक्लूड दैट देयर आर स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द प्रेफरेंस ऑफ द टाइप ऑफ द पेंटिंग साइट